अभी जो हमारे पास में एक बच्चा आया है लवकुश नाम का, जिसकी उम्र लगभग 7 साल है, रहीमपुर का रहने वाला है, रोजा थाना का। तो इसके जो इनके पिताजी ने हमको बताया कि इसके जो है 15 दिन पहले जो है स्कूल में जो है कुछ मारपीट हो गई थी, टीचर ने मारा कुछ इसको, जिसकी वजह से इसके बाई आंख में जो है चोट लगी जो कि गंभीर है। इनके अनुसार जो चोट लगी है वो कदम से लगी, टीचर ने मारा इनके। तो अभी देख रहे हैं, हालत इसकी ठीक नहीं लग रही है उस आंख की, अभी इसको ऑब्जर्वेशन में रखा है, अभी आंखों के डॉक्टर आएंगे, उनको भी देखेंगे, इसका उपचार के लिए अपने यहाँ भर्ती कर दिया हमने। ये मामला क्या है पूरा? इस मामले के बाद ये मामला हमारे कोई संज्ञान में नहीं आया है और हमारी नालिश से जो है बच्चे को अध्यापक ने पीटा भी नहीं है। ये बच्चा पहले से ही बीमार था और अस्वस्थ था, केवल परिवार वाले इस बच्चे का सहारा लेकर के मुझे फंसा रहे हैं। बच्चे का सिटी स्कैन जो हुआ है उसका सर्टिफिकेट हमने लिया है, उसको जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसको दिखला दूंगा, उसमें इसके ब्लड ट्यूमर है। जी कैसे क्या चोट लगी आपके बच्चे के? कैसे क्या चोट लगी आपके बच्चे के? तो हमारे जो है बच्चा पढ़ो बच्चा पढ़ लियो, मैं यहाँ बताऊँ पर मास्टर साहब ने जो है फिर क्या नाम था मास्टर साहब का? मैं कौन से स्कूल में बच्चा पढ़ता था? कानूनी कार्रवाई चाहते हैं मास्टर साहब? अभी आप कलेक्टर गए थे, अधिकारी से मिले किसी? किसी अधिकारी से मिले तुम? नहीं मिले किसी अधिकारी से? मिले नहीं मिले? बच्चे के टीचर ने हाथ पे पेन मार के थाना रोजा के रहीमपुर गांव में टीचर ने जो है 25/7/2018 को बच्चे को मार दिया, उसके हाथ में चोट लग गई है। इस संबंध में जो है थाना रोजा पर आज अभी पंजीकृत कराया जा रहा है, ये लोग थाने पर आ जाए हैं और आगे उनकी कार्रवाई की। ना यार क्या क्यों मारा था तुम्हें? तभी मारा? क्या कहा उनने? तभी क्या करा उनने? पेन भोग दिया। अच्छा, तुमने शिकायत नहीं करी? बस जा।